नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फोटो पे जो है वो वाटर रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं बिना चाहे उस फोटो में वाटर हो या ना हो। तो कैसे डालेंगे इसमें वाटर रिफ्लेक्शन, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से फाइल से अपना जो फोटो है वो चूज़ कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद ये आएगा आपका रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्शन वाला, इसको लेंगे और यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जे, इस लेयर पे जाएंगे और फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी, इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल। अब इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, इसके बाद अगर आपको पूरा करना है, पूरे में रिफ्लेक्शन देनी है तो फिर आप इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको बीच में वाटर रिफ्लेक्शन बीच में नहीं डालनी है तो इसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, जितना आपको वाटर चाहिए रिफ्लेक्शन चाहिए उतनी से ले रहा हूँ और एंटर। इसके बाद ये जो एज दिख रहा है इसको हम बनाएंगे कि जैसे ये डुप्लीकेट ना लगे, इसके लिए आप लेंगे यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल और जाएंगे अपनी मेन बैकग्राउंड लेयर में, यहाँ पे अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से सैंपल लेंगे और फिर लेयर वन में जाएंगे और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे इससे इफेक्ट लेंगे जो पीछे बैकग्राउंड इफेक्ट है फ्लावर्स का, ताकि ये एज ना लगे। इस तरह से देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे इसकी थोड़ा चेंज करना हो, फ्लावर वगैरह चेंज करना हो, तो फिर से बैकग्राउंड लेयर में जाना और उसके बाद यहाँ से जैसे यहाँ से आप यहाँ से सैंपल उठा लीजिए और फिर लेयर वन में जाके यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो ऐसे। और अगर आप चाहते हैं कि सामने भी ये इस तरह के फ्लावर्स आ जाए तो इससे वैसे ही बैकग्राउंड लेयर में जाके यहाँ से सैंपल ले रहे और फिर लेयर वन में जाकर तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सामने लाभ देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आकर सैंपल खत्म हो रहा है तो इसके फिर से बैकग्राउंड में जाके यहाँ से सैंपल फिर से लेके लेयर वन में जाकर और ऐसे इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इस वाटर को हम थोड़ा सा लेवल देंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कोई सिलेक्शन ले लें, मैं ले रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल और यहाँ से इसको सिलेक्ट वाटर को सिलेक्ट करेंगे जो वाटर का रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करें। जैसे आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे तो इसमें माइनस का निशान आएगा कर्सर पे, और तो ये इसको जो सिलेक्शन उसको माइनस करेगा और जैसे आप अल्ट छोड़ देंगे तो ये प्लस का निशान आएगा, इसे ये ऐड करेगा। से या फिर आप सिंपल तरीके से इमेज में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाके लेवल और यहाँ से जो सेंटर वाला है इसको थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा।
थोड़ा सा तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे जैसे आपके सिंपल फोटो पे कैसे आपका एक पार्ट डिटेक्शन बन गया, जैसे पहले क्या था, पहले वैसे आप इसको हाइड करके देखेंगे, पहले आपका फोटो ऐसे था और इसके बाद आपको ऐसे रिफ्लेक्शन।